गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर कुकिंग व्लॉग। सो अब मैं फिर से पहुंच गई हूँ अपना छोटा सा क्यूट सा किचन में। आलू फ्राई हो गया है कंप्लीट, उसके बाद मैं आखुली चटनी बनाया है बहुत स्पाइसी तीखा से। आज हम बना के ऑलरेडी बन गया है तो उसको बहुत स्पाइसी से खाने वाला है गाइस। आखुली चटनी है, आई लव सो मच। तो आप लोग को दिखाएगा अभी। यहाँ बहुत बढ़िया से उबल रहा है सरसों के साथ। ये आफ्टर वन मिनट इसको उठा देगा गैस, थोड़ा बहुत टाइप से खाएंगे। और ये रहा आलू की फ्राई, दिस इज आलू फ्राई एंड दिस इज द अखुनी चटनी। बहुत तीखा झाल से बनाया है गैस विद टोमेटो। तो यहाँ देख सकते हो प्लॉट ऑफ लैंड छोटा सा मैंने यहाँ में नरम कर दिया है मिट्टी को। अब यहाँ लगाने वाली हूँ धनिया एंड सम ग्रीन लीफ। गुड मॉर्निंग गाइस, तो सुबह सुबह आग भी बढ़िया से जल रहा है, देख सकते हो साइड में जल रहा है। एंड यहाँ में थोड़ा सा लाइट वाला कूर मारा है मैंने, क्योंकि उस दिन ही मैंने साफ सफाई कर दिया था। दिस प्लेस इज नाउ क्लीन क्लीन इनफ टू प्लांट। फिलहाल के लिए तो थोड़ा सा प्लॉट ऑफ लैंड मैंने क्या बोलते हैं मिट्टी को नरम किया। नरम करने के बाद में आई पोर्ड सम वाटर ऑल्सो ना, ताकि वो मिट्टी जो नरम हो सके। धनिया और सरसों जो भी लगाएगा वो अच्छा से खिलने के लिए मैंने मिट्टी को नरम कर दिया है। तो फ्रंट साइड की ओर जाऊंगी और वहाँ से कुछ एक दो क्या बोलते हैं फ्लावर लेके आऊँगी, यहाँ लगा देगा साइड साइड में ना, थोड़ा सुंदर भी दिखेगा। पीछे में पानी आ रहा है, फिर यहाँ हम सब्जियाँ लगाएंगे, साइड साइड में फूल खिलेगा, बहुत ही सुंदर होगा गाइस। तो आई बिलीव इन ब्यूटी। सो चलो गाइस, थोड़ा माहौल को सुंदर बना देते हैं। चलो जाते हैं अभी फूल लेने के लिए ना। जरा फूल मुझे दिखाई नहीं दे रहा है गाइस, आई थिंक ये ओनर ने लगाया था होगा, बट यहाँ में ये रोज सब दिखाई दे रहे ना, तो ऐसे बेकार में यहाँ में मर जाएगा, सर जाएगा मिनट से। इसलिए यहाँ से उठा के लेके जाऊँगी और पीछे तरफ में लगा देगा। सो हियर आर द ब्यूटीफुल फ्लावर्स। ये देख सकते हो गाइस, मैंने अपना हाथ में ले लिया है बहुत सारा फ्लावर्स। बहुत सारा फ्लावर्स नहीं है, बस इतना ही हो जाएगा। इतना हो जाएगा मतलब उधर में जितना था ना मैंने सब लिया बोल के नहीं है, वहाँ में थोड़ा सा बचा दिया, क्योंकि मैंने ओनर क्या बोलते हैं आंटी अंकल को भी नहीं पूछा ना, विदाउट परमिशन मैं लेके जा रही हूँ। और कहते हैं कि ना फूल अगर आप चोरी करते हो वो लगाने का कुछ अलग ही मज़ा होता है, प्लस बहुत सारा खिलते होते हैं। तो इन वेरी पॉजिटिव वे, अगर ये बहुत सुंदर से खिलेगा तो फिर हम ओनर आंटी और अंकल को रिटर्न करने जाएगा गैस। तो दिस क्रेडिट फ्लावर्स अपनी लगाने वाली हूँ साइड साइड में। Thank you.
एक्चुअली क्या है कि ना गैस, यहाँ में हम क्यों लगा रहे बोलने से, ये साइड में हम सुखाते हैं कपड़ा, ठीक है। कपड़ा सुखाने के कारण यहाँ में हम नहीं लगा सकते ये फ्लावर को, प्लस क्या बोलता है धनिया एंड सरसों लाई पत्ता जो भी हो ना, ये छोटा सा ही मैंने प्लॉट लिया है, क्योंकि यहाँ में अगर हम मस्टर्ड सीड्स एंड ऑल, फिर क्या बोलता है धनिया सीड्स एंड ऑल यहाँ फेंकेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना कपड़ा सुखाने में, अप डाउन करने में। इसलिए छोटा सा साइड पार्ट ये कोना में लेके मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ गाइस, और अब मैं लगा रही हूँ फ्लावर्स, सुंदर सुंदर फ्लावर्स। देखते हैं अगर यहाँ में खिलेगा, अच्छा लगता है तो आई ब्रिंग द न्यू फ्रेश फ्लावर्स, जहाँ कहीं से उनसे भी हम ढूंढ के लाएगा। फिलहाल तो 1, 2, 3, 4, 5 लगा लिया मैंने। तो फाइनली गाइस देख सकते हो मैंने छोटा छोटा वाला फ्लावर्स जो ऑलरेडी खिल रहा था ना, उसको यहाँ में शिफ्ट कर दिया, आई मीन इसे यहाँ में मैंने पूरा लगा दिया ना। ये थोड़ा बेंड हो गया, ये देखो हमसे गलती हो गया, यहाँ से थोड़ा सा क्रैक हो गया ना, इस कारण ये ऐसा बेंड हो रहा है। साइड पे मैंने लगा लिया है छोटा सा मिनी फ्लावर्स। अब यहाँ पे जो बच गया लगने के लिए वो है धनिया सीड्स एंड लई पत्ता की सीड्स, तो यहाँ फेंकना पड़ेगा हमको ना। उतना बड़ा भी नहीं है ये छोटा सा प्लॉट, मैंने क्या बोलते हैं रेडी किया ना यहाँ लगाने के लिए, क्योंकि मिट्टी जो बहुत ज़्यादा टान है, तो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू क्या बोलते हैं लगाने जा रही हूँ, और देखते हैं ये फ्लावर्स कितना दिन तक टिकते हैं, एंड धनिया एंड मस्टर्ड लीफ उसको जो है वो भी देखेंगे गाइस। फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करने जा रही हूँ। सच में अगर बताऊँ तो ये मेरा फर्स्ट टाइम होगा धनिया और लई पत्ता वो सब लगाने के लिए, और कैसे लगाना है ना वो भी मम्मी से पूछ लेगा, क्योंकि मम्मी जो है हम लोग जब छोटा था तब से खेत में काम करते आए हैं, शी नोज हाउ टू क्लीन द प्लॉट, क्लीन द लैंड, हाउ टू कट एवरीथिंग। उसके बाद में कैसे लगाना है, कैसे क्या करना है ना, मम्मी से हम राय ले लेगा। आई आस्क हर ओपिनियन, मे बी इन द इवनिंग आई गो इन द मार्केट एंड ब्रिंग ऑल दो सीड्स। वो धुआं ही ऐसे गाइस पूरा जल के ख़त्म हो गया, लेकिन धुआं कहाँ से आ रहा है। तो चलो मैंने अपना छोटा सा प्लॉट को रेडी कर दिया है, फूल भी छोटा छोटा वाला उसको साइड साइड में लगा दिया, पता नहीं कितना दिन लगेगा होगा क्या बोलते हैं लंबा होने में, बड़ा होने में। और दोस्तों मैं आप लोग से एक बात शेयर करना चाहूँगी, उस दिन एक कमेंट आया था, ठीक है, मैंने अपलोड किया था जूस बार वाला वीडियो ना, उसी में किसी ने कमेंट किया था, और वो कमेंट को हटा भी लिया। आई थॉट कि आई विल रिप्लाई हिम हर, बट पता नहीं यार किससे होके वो कमेंट भी डिलीट कर दिया। जिसने फेक आईडी से कमेंट किया ना, उन्होंने फिर से डिलीट कर दिया। अरे यार क्या बताऊँ आपको, तो उसका कमेंट ऐसा था, रियली वेरी वेरी बोरिंग कंटेंट ऐसा बोला है। तो इसका जवाब मैं आपको देना चाहूँगी, तो ठीक है, आई अप्रिशिएट योर ओपिनियन, थैंक यू सो मच। आप सबसे पहले तो मेरा वीडियो को देख के जज किया, थैंक यू सो मच उसके लिए, ठीक है। लेकिन मेरा साइड से भी थोड़ा सोचिए, क्योंकि देखिए वीडियो बनाना, फिल्म करना ना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही डिफ़िकल्ट है, जब तक अनलेस एंड अनटिल आप वो फील्ड में, वो ग्राउंड में, ये ग्राउंड में उतर के नहीं आएंगे ना, आपको महसूस भी नहीं होगा, आपको दूसरा का जो दुख तकलीफ है ना उसको भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। आप अगर खुद के साइड से सोच रहे हो तो आपका राइट बनता है, मेरा साइड से भी थोड़ा सोच के देखिए। व्लॉग बनाना बहुत ही दिक्कत है, बहुत ही दिक्कत है, लेकिन मैंने आप सबको बताया था कि आई हैव माई ओन गोल, ड्रीम्स टू अचीव ना, वो पर्टिकुलर ड्रीम को मैं पकड़ के बैठा हुआ हूँ। आई नो मेरा कंटेंट ठीक नहीं है, बकवास लगता होगा ये वो, हमको भी मालूम है गाइस, मेरा वीडियो जो है अच्छा नहीं है, कंटेंट मैं देने नहीं सक रही हूँ, बट देन क्या है कि लाइफ गोस ऑन, जो हमको दिखता है या जैसे भी लाइफस्टाइल में जी रही हूँ मैं वही दिखा देती हूँ गाइस, कुछ मतलब छुपा
छुपा रस्तम छुपा छुपी वो सब मुझे हाइड एंड सीक वाला मुझे बिल्कुल नहीं आता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड लड़की हूँ मैं, लास्ट टाइम भी मैंने आप सबको बताया था। तो मेरा साइड से भी आप थोड़ा सोच के देखिए, कंटेंट सोचना, वीडियो शूट करना, बनाना, एडिट करना, अपलोड करना बहुत ही प्रॉब्लम है, बहुत ही प्रॉब्लम, बहुत ही डिफ़िकल्ट है। आई रियली हैव नो आइडिया दूसरा कंटेंट क्रिएटर्स लोग कैसे शूट करता होगा। आई एम डेम श्योर कि वो लोग को भी बहुत डिफ़िकल्टी, बहुत प्रॉब्लम फेस करता होगा ना, क्योंकि मैं भी एक्सपीरियंस कर रही हूँ। आई एम नॉट सेइंग कि मैं बहुत बड़ा यूट्यूबर हूँ, मैं तो छोटा मोटा सा क्या बोलता है वीडियो बना लेती हूँ यार। लेकिन जो भी वीडियो हम बनाता है ना, वो हम बहुत सोच समझ के बनाता है। या उसके बाद में मैंने आज तक किसी को भी गली गलौज नहीं दिया, ना ही किसी को मैंने डिस्क्रिमिनेट किया, ना किसी को लेट डाउन किया। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप अगर मेरी हार्डवर्क को अप्रिशिएट नहीं कर सकते हो तो प्लीज़ मुझे डिस्करेज भी मत करो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। यही है, मैं अपना साइड से क्लियर करना चाहूँगी। जिसी ने भी मेरा वीडियो में कमेंट किया कि रियली वेरी 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 बोरिंग कंटेंट बोल के, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। चलो अब ये मन में जो भी था, जो भी बोझ था, मैंने हल्का कर लिया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो मैं आपको यही बात बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ डोंट डिस्करेज एनीवन, नॉट ओनली मी, किसी भी कंटेंट क्रिएटर्स को आप ऐसा क्या बोलते हैं हार्ड वर्क देखने के बाद में लेट डाउन मत करो। ठीक है, वो आपका ओपिनियन है, अगेन आई एम सेइंग इट इज़ योर ओपिनियन, आई रेस्पेक्ट योर ओपिनियन, बट मन में भी तो रख सकता है ना। तो मुझे ख़राब लगा यार, इसलिए मैं बोल दिया। और आपको अगर ऐसा कोई बोलता तो आपको भी तो कैसा फील होना था ना। बीइंग अ ह्यूमन, हम सभी लोग के पास में फीलिंग्स होता है, इमोशंस होता है। तो प्लीज़ एक्सेप्ट दिस ऑल्सो। अगर आपको ख़राब लगा मेरा ओपिनियन सुनने के बाद में तो आई एम रियली सॉरी। बस मुझे जितना बोलना चाहिए था, मेरे मन में जो क्लियर करना चाहिए था ना, मैंने क्लियर कर दिया है। फिर से मैं बोल रही हूँ, आप अगर दूसरों की मेहनत को अप्रिशिएट नहीं कर सकते हो तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, डोंट लेट एनीवन डाउन, डिस्करेज भी मत करो आप। तो ठीक है गाइस, अभी बहुत ज़्यादा बात भी कर लिया होगा शायद, मैंने दिल में बहुत ज़्यादा भरास था उसको मैंने निकाल दिया, क्योंकि ओनली आई नो, मी पर्सनली आई नो कि कितना तकलीफ़ होता है ना वीडियो बनाने में। सो मैंने बोल दिया, आप सबके सामने में शेयर किया। ठीक है, टुडे सैटरडे, मैंने सोचा कि सबसे पहले बाहर का काम करेंगे। फिर से मैं आप लोग को बताना चाहूँगी कि मुझे क्यों अच्छा ला कंटेंट नहीं मिलता है। ठीक है, उसका बारे में भी आप लोग को कुछ बताना चाहूँगी। द रीज़न बिहाइंड मुझे क्यों कंटेंट नहीं मिल रहा है, या हम किसी का साथ में बड़े बड़े यूट्यूबर लोग के साथ में हम क्यों कलेब नहीं कर रहे। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बताना चाहूँगी कि आई डू अ वेरी छोटा ला काम भी मैं करती हूँ। तो अपार्ट फ्रॉम दैट आई डू यूट्यूब, फिर घर में जितना भी हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ है वो सारा मैं काम करती हूँ। और आप लोग का मन में ये भी ख्याल आता होगा कि क्यों मैं दूसरा कंटेंट क्रिएटर लोग से कलेब नहीं करती हूँ बोल के। तो वेल आपको बता दूँ कि आप लोग का सोच बहुत ही करेक्ट है, ये सोच आप लोग का सही है गाइस। मैं इसलिए कलेब नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे समय नहीं मिलता है। मंडे टू फ्राइडे आई हैव माई ओन ड्यूटी, सुबह शाम में जाती हूँ, आप लोगों को तो पता ही है। जो लोग पहले से मुझे फॉलो करते हैं ना, वो सबको मालूम है, मॉर्निंग जाती हूँ, फिर लंच टाइम आती हूँ, फिर आफ्टरनून 2:30 को जाके 4:30 या 5 ऐसे को मैं घर लौट के आती हूँ। मेरा लाइफ जो है बहुत ही टाइट वाला बिजी स्केड्यूल हो जाता है ना, इस कारण हम दूसरा कंटेंट क्रिएटर लोग से कलेब भी नहीं कर पाती हूँ मैं, सच में अगर बताऊँ तो, टू बी ऑनेस्ट। सो दिस इज़ द रीज़न वाई आई एम नॉट एबल टू यू नो अच्छा ला कंटेंट लाने में नहीं सक रही हूँ। जो भी मुझे मेरे सामने में दिखाई देता है या जो भी मैं लाइफ जी रही हूँ उसी को मैं पेश कर देती हूँ। व्लॉग बनाना मतलब क्या होता है गाइस? व्लॉग बनाना सबका अपना अपना नज़रिया, अपना अपना क्या बोलता है, अपना अपना कंटेंट होता है। मेरा अभी बाहर में जाके हमेशा एक्सप्लोर करेगा वो तो नहीं है मेरे पास में काफ़ी समय ना। ओनली द वीकेंड डे, सैटरडे संडे मुझे छुट्टी मिलता है, तो कभी कभार टाइम मिलने से मैं चली जाती हूँ वीकेंड डेज में भी बाहर में, आउटिंग हो गया, फिर आउटडोर कुकिंग एनीथिंग, आप सब ने देखा होगा ना। वीकेंड डेज पे अगर मुझे छुट्टी मिलता है
तो छुट्टी तो मिलता ही है सैटरडे संडे, बट टाइम अगर मिलता है तो मैं चली जाती हूँ आउटडोर कुकिंग एंड ईटिंग। बस इतना ही है गाइस, मुझे इतना ही बताना था। तो चलिए अभी और कुछ बुला बुला जैसा लग रहा है ना, आज बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा होगा मेरा ये जो ब्लॉग है बोलने में। आई एम रियली सॉरी फॉर देट, बहुत लंबा हो रहा है ना मेरा वीडियो, रियली रियली सॉरी। आप लोग अच्छा कमेंट करो, अच्छा लोग अच्छा ही कमेंट करता है, आई नो देट। तो मैं सारा बात क्लियर करना चाहती हूँ गाइस, बट देन मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है ना अभी, फिर उसके बाद में हम सोचते रहते हैं कि ये बात क्यों नहीं बोला करके। और मुझे अगर छुट्टी मिल गया यहाँ से जाके डायरेक्ट अपना घर में जाती हूँ, ठीक है। घर जाने के बाद में जो है मम्मी पापा को दिखाती हूँ, माय ग्रैंड पेरेंट्स, माय सिबलिंग्स, कज़िन ब्रदर एंड सिस्टर, सभी लोगों को मैं दिखा देती हूँ अपना घर में जाने से, अपना विलेज में जाने से ना। तो दिस आर ऑल माय सिंपल वे ऑफ व्लॉगिंग। और आप लोग को फिर से मैं रिमाइंड करना चाहूँगी कि आई हैव माय ओन ड्रीम टू फुलफिल। ये सारा व्लॉग बनाने का मेरी एक ही मकसद है, वो है मेरा एक सपना है। लास्ट टाइम मैंने आप सबको बताया था ना कि आई हैव अ ग्रेट कनेक्शन, मेरा ये जो बॉन्ड है ग्रैंड पेरेंट्स लोग का साथ में, जो ओल्ड एज पीपल है ना, बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशंस भरा हुआ है मेरा अंदर में। तो ये चीज़ तभी फुलफिल होगा जब हम अपना लाइफ में सक्सेस हो जाएगा, ठीक है। आई हैव माय मेन एम, मेन टारगेट जो है उसको मैं फुलफिल करना चाहती हूँ। वंस वो फुलफिल हो जाएगा तो मैंने सोचा कि ओल्ड एज पीपल जो है उसको मैं हेल्प करूँ पर्सनली फ्रॉम माय साइड बोल के ना। तो दिस इज़ द रीज़न आई एम व्लॉगिंग कंटिन्यूसली, नॉट कंटिन्यूसली, टाइम अगर मिलता है तो कंटिन्यूसली मैं व्लॉगिंग करती हूँ, क्योंकि आई हैव अ ग्रेट कंसर्न फॉर ओल्ड एज पीपल। ये चीज़ को हम कभी भी नहीं भूल सकता है गाइस, ओनली फॉर देम आई एम व्लॉगिंग, ठीक है। आप लोग ये मत सोचना कि बहुत ज़्यादा बोरिंग है, ये है वो है बोल के। तो मैंने क्लियर कर दिया क्यों मैं व्लॉगिंग करती हूँ, मुझे क्यों कंटेंट अच्छा अच्छा वाला नहीं मिलता है, क्यों मैं सबसे कॉलैब नहीं करती हूँ, आप सबको बता दिया ना गाइस। तो चलो अभी अंदर जाते हैं, साफ़ सफाई करना है, उसके बाद में खाना सब्जी तो पक के रेडी है, खाना भी खा लेते हैं गाइस। तो चलो आप सभी लोग को थैंक यू सो मच, बहुत पेशेंस से मेरी बात सुनने के लिए, थैंक यू सो मच एवरीवन। तो चलिए दोस्तों अंदर की ओर। दिस इज सरसों की साग, दिस इज अखुनी चटनी, और ये रहा क्या होता है आलू फ्राई। सो आई विल बी हैविंग माय क्या होता है लंच राइट नाउ। ये जो अखुनी का चटनी बहुत ही टेस्टी है यार। हमारे वहाँ पर अखुनी का प्राइस है पर पैकेट इज 20 रुपीज़, बट यहाँ इट्स 40 रुपीज़ पर पैकेट। सो गाइस मैंने अपना ब्रेकफास्ट भी कर लिया कॉम मारने के लिए लाए हम ना अपना हेयर को, और आई होप आज मैंने अपना व्लॉग से आप लोग को फिर से बोरिंग नहीं किया होगा। सुबह सुबह जितना भी काम होता है ना वो सारा मैंने कंप्लीट कर लिया है, ब्रेकफास्ट कर लिया, फूल भी लगाया, फिर प्लॉट ऑफ छोटा वाला लैंड भी मैंने रेडी करके रख दिया है, वहाँ में बस सीट फेंकना बाकी है गाइस। मिलते हैं अगले नेक्स्ट व्लॉग पे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, और जिसने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो। सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट व्लॉग पे, बाय बाय, हैव अ गुड डे।